आंखों में मुकरना भी। ओके तो डियर फ्रेंड्स कैसे हो, आई होप आप लोग सब बढ़िया ही होंगे। तो आप लोगों ने जो स्टार्टिंग में वीडियो देखा तो इस टाइप का वीडियो इंस्टाग्राम रील्स पर बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो इस वीडियो में आप लोगों को इसी तरीके का वीडियो बनाना सिखाने वाले हैं। तो आप लोग इस तरीके का अपना रील्स वीडियो कैसे बना सकते हो, वीडियो पे अंत तक बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, मैं आप लोगों को आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ओके तो आप लोगों को BNF को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास BNF नहीं है तो आप लोग BNF को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या फिर लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। तो आप लोगों को प्लस वाले आइकन पर टैप करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम लोग लिरिक्स वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। तो यह वीडियो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप लोग को यहाँ पर उस वीडियो को सिलेक्ट करना है। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को अपना एक सिंपल सा वीडियो को सिलेक्ट करना है। तो एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पर एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को सिंपल सा एरो वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। तो यहाँ पर आपकी दोनों वीडियो आ जाएंगे। आप लोगों को वीडियो के एंड में एक ब्लैक पार्ट मिलेगा, इसको आप लोग को डिलीट कर देना है। फिर आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में आना है। आप लोगों को अपने वीडियो में से ऑडियो को म्यूट कर लेना है। तो वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर आप लोगों को टैप कर देना है तो आपके वीडियो में से ऑडियो म्यूट हो जाएगी। फिर यहाँ से हम लोग अपने सॉन्ग को लाएंगे तो आप लोगों को म्यूजिक वाले ऑप्शन पर टैप करना है। म्यूजिक पर टैप करेंगे, यहाँ पर एक प्लस का आइकन मिलेगा, इस पर टैप करना है। स्ट्रेक फॉर वीडियो पर टैप करेंगे तो इस सॉन्ग वीडियो की लिंक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर उस वीडियो को सिलेक्ट करना है। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को सिंपल सा ओके पे क्लिक कर देना है। तो उस वीडियो में से सॉन्ग यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट में शो हो जाएगा, इस सॉन्ग पे आप लोगों को टैप करना है। यहाँ से आप लोगों को डन कर देना है तो यहाँ पर आपका सॉन्ग आ जाएगा। आप लोगों को लिरिक्स वीडियो के एंड में आना है। यहाँ पर आप लोगों को एक प्लस का आइकन मिलेगा, इस पर टैप करना है। थोड़ा सा आप लोगों को स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप लोगों को जूम ट्रांजिशन मिलेगा, इस ट्रांजिशन को अपने वीडियो में अप्लाई कर लेना है। फिर यहाँ से आप लोगों को डन कर देना है। फिर आप लोगों को अपने वीडियो पे आना है। इस वीडियो में आप लोगों को स्लो मोशन को ऐड करना है, स्पीड वाले ऑप्शन पर टैप करना है। इन डॉट को आप लोगों को जिस तरीके से नीचे की ओर कर लेना है तो आपके वीडियो में स्लो मोशन ऐड हो जाएगा। आप लोग अपने हिसाब से अपने वीडियो में स्लो मोशन रख लेना है। फिर यहाँ से हम लोग डन कर देंगे तो हमारे वीडियो में स्लो मोशन ऐड हो जाएगा। आप लोगों को अपनी वीडियो को सॉन्ग के हिसाब से रख लेना है। अगर आप लोग इस वीडियो में इफेक्ट ऐड करना चाहते हो तो आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में आना है, इफेक्ट पर टैप करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे तो आप लोग यहां पर अपने हिसाब से इफेक्ट को ऐड कर सकते हो। फिर यहां से आप लोगों को डन कर देना है तो आपके वीडियो में इफेक्ट ऐड हो जाएगा। आप लोग इफेक्ट को अपने हिसाब से रख सकते हो। तो हमारा वीडियो बनके तैयार हो जाएगा। आप लोगों को एक बार वीडियो प्ले करके दिखा देता हूं हमारा वीडियो किस तरीके से बन के तैयार हुआ है। तो इस वीडियो को आप लोगों को सेव करने के लिए एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर टैप करना है, टिक पे क्लिक कर देना है, कंटिन्यू टू एक्सपोर्ट पर टैप कर देंगे तो आपका वीडियो सेव होने लगेगा। तो आई होप फ्रेंड हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय।